वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दिवाली स्पेशल स्नैक्स डिश। बहुत ही यूनिक एक स्नैक्स रेसिपी है जिसका नाम मैंने रखा है क्रिस्पी वेजी कोन, और सर्व किया है मैंने धनिया पत्ता चटनी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ही मैंने एक बोल ले लिया है जिसमें मैं ऐड करूंगी 100 ग्राम मैदा। 100 ग्राम मैदे में मुझे 15 से 20 वेजी कोन मिल गया था। अब अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा कर लीजिएगा। ऐड कर दिया मैंने नमक स्वादानुसार, मिर्ची पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चुटकी, चाट मसाला 1/2 छोटी चम्मच, मैगी मसाला 1/2 छोटी चम्मच। ऐड करूँगी 1 बड़ी चम्मच वाइट ऑयल और जीरा 1/2 छोटी चम्मच। रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा होने वाला है, इसीलिए मैं कुछ मसाले ऐड किया। आप अपने हिसाब से मसाले ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि पानी पूरी मसाला, पिज़्ज़ा मसाला, जो भी मसाला आपको पसंद है। अभी पानी के साथ मसलते हुए हम एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। ऊपर से थोड़ा और ऑयल ग्रीस कर देंगे और ढक के रख देंगे 30-45 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए। मैदा जब तक सेट हो रहा है तब हम वेजी कोन की अंदर की जो स्टफिंग हम देंगे वो बना लेते हैं, जिसके लिए गैस ऑन करके मैंने चढ़ा दिया है एक पैन। पैन में मैंने ऐड कर दिया 2 बड़ी चम्मच वाइट ऑयल और एक एक करके ले लेंगे कुछ वेजिटेबल्स। आप अपने अवेलेबल जो भी वेजिटेबल्स है वो, या फिर अपने पसंदीदा वेजिटेबल्स ले लीजिएगा। मैंने इधर ले लिया है आलू, गाजर, बीन्स, पत्ता गोभी, फूल गोभी और मटर। इधर आप सोयाबीन, पनीर, चाहो तो चिकन, मटन, कुछ भी यूज़ कर सकते हो स्टफिंग के लिए। क्योंकि मैंने दिवाली स्पेशल बना रही हूँ इसलिए मैंने पूरा वेज रखा है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम ऐड करेंगे नमक, 1 चुटकी हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर 1 चुटकी। अब अच्छे से मीडियम हीट पे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। तब तक वेजीज अच्छे से कुक्ड हो जाएगा और बाकी की कुकिंग जब हम एंड में कोन को फ्राई करेंगे तब हो जाएगा। दस मिनट बाद मैं लौट रही हूँ। वेजिटेबल्स अच्छे से कुक्ड हो गया है, अभी हम निकाल लेंगे। डो अब तक सेट हो गया है, अभी हम कोन की तैयारी कर लेंगे। थोड़ा सा और मसल लेंगे। जब वीडियो चल रहा होगा वीडियो स्क्रीन पे नीचे आपको मेरी चैनल की नाम दिखाई दिया जाएगा, शॉपनेर तिलोत्तमा कुकिंग एंड ब्लॉगिंग चैनल। उस नाम पे क्लिक करके आप मेरी अब तक की अपलोड की हुई सारी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। अभी हम रोल कर लेंगे। हमें बहुत ही थिन टेक्सचर वाला रोल चाहिए और कट कर लेंगे एकदम अच्छा सा, एक इवनली राउंड शेप देने के लिए। मेरी चैनल पे दिवाली स्पेशल एपिसोड चल रही है जहाँ पे मैं बहुत सारी स्वीट डिशेस, स्नैक्स डिशेस और ठंडाई डिशेस शेयर कर रही हूँ। अब तक जो मैं दिवाली स्पेशल डिशेस शेयर किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियोस को देख सकते हो। और आगे भी नई नई वीडियोस को देखने के लिए कनेक्टेड रहिए। कमिंग डेज में आपको दिवाली स्पेशल और बहुत सारी स्वीट डिशेस, कॉम्बो बॉक्स, स्नैक्स रेसिपीज और ड्रिंक रेसिपीज देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ कनेक्टेड रहिए और नई नई वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। अभी कोन के जो रैपर हमने कट कर लिया है उसको 5 से 6 सेकेंड के लिए थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। हमें ख्याल रखना है कोन की रैपर की जो कलर है वो नहीं चेंज होना चाहिए, बस उनको एक हार्ड टेक्स्चर देने के लिए हमें 5-6 सेकेंड के लिए थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अभी कोन रैपर बनाने के लिए मैंने इधर ले लिया है मैदा, ड्राई मैदा, और मैदा और पानी से बनाया हुआ एक लिक्विड पेस्ट और वेजिटेबल स्टफिंग जो हमने बना के रखे हैं। तो चलिए बना लेते हैं। पहले ही एक रोल हम ले लेंगे, एक
राउंड शेप हम ले लेंगे और कट कर लेंगे चार पीसेस में। कोन की तरह बना लेंगे और स्टिक करने के लिए हम यूज़ करेंगे लिक्विड जो बैटर हमने बना के रखे हैं उसको। लिक्विड बैटर बनाने के लिए मैंने ले लिया था बस पानी और मैदा और एक थिक बैटर मैंने बना लिया था। अभी थोड़ा सा देके हम स्टिक कर लेंगे। इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ गम। अब अच्छे से हम थोड़ा प्रेस करके स्टिक कर देंगे ताकि अच्छे से लग जाए और फ्राई करते टाइम निकल ना जाए। अभी हम इसमें भरेंगे वेजिटेबल्स स्टफिंग जो कि हमने बना के रखी है। थोड़ा सा प्रेस करते हुए अंदर तक दे देंगे, जितना भी हम भर सकते हैं भर लेंगे, फिल कर लेंगे। अब हम ऊपर से जो लिक्विड बैटर बना के रखे हैं उनको दे देंगे ऊपर की पोर्शन शिल करने के लिए। अभी जो ड्राई मैदा हमने रखा है उस पर हम कोट कर लेंगे। रेडी हो गया है वेजी कोन फ्राई करने के लिए एकदम तैयार। तो चलिए एक एक करके बना लेते हैं और फ्राई कर लेंगे। कुछ मैंने इधर बना लिया है, अभी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए गैस ऑन करके मैंने चढ़ा दिया है एक कढ़ाई जिसमें मैंने दे दिया जितना भी आपको ऑयल की ज़रूरत है वो, क्योंकि हम डीप फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगेगा। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम गैस की जो हीट है वो मीडियम हीट पे रखेंगे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्लिप करते हुए हर एक साइड को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको डीप फ्राई पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल ब्रश करके बेक भी कर सकते हो, उस पर भी बहुत क्रिस्पी और अच्छा टेस्ट आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, रेसिपी अगर पसंद आया है तो घर में दिवाली के दिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। इधर मैंने ले लिया है कोरिएंडर की चटनी और क्रश किया हुआ चिप्स। कोरिएंडर की चटनी बनाने के लिए मैंने कोरिएंडर को पेस्ट कर लिया था। दिया है इसमें थोड़ा सा नमक और लेमन जूस। अभी एक एक कोन हम लेंगे, इसको गार्निशिंग के लिए पहले डिप करेंगे कोरिएंडर की चटनी में, फिर डिप करेंगे क्रश्ड किया हुआ चिप्स में। अच्छे से तैयार हो गया है आज का डिश। घर में प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आप नए विजिट कर रहे हो मेरी चैनल पे, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं चलती हूँ, कल फिर से मुलाकात होगी।